चलो जी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज ईएमआई। ईएमआई इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इट इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना या मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिसिटी पैदा होना? मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिसिटी। राइट, उल्टा दम कर चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रिसिटी का मूविंग चार्जेस के कारण, करंट के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जब इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आती है मैग्नेटिक फ्लक्स। तुम लोग को याद होगा वो टेंथ में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि फैराडे एक्सपेरिमेंट, फैराडे और हेनरी, वो कॉइल के पास बार मैग्नेट को लेके आए, गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग शो की, याद है? यस सर। अरे बाकी को याद है, ये पुल पल गए। यस सर, याद है। तो क्या था कि अगर हम किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के साथ, कॉइल के पास लेके आते हैं या उसे दूर लेके जाते हैं, तो एक इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस जाती है वहां पे, ईएमएफ इंड्यूस जाती है, करंट इंड्यूस जाता है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करता है। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, चलो तो उससे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स करेंगे। बेसिकली हो क्या रहा है उसमें, देखो अगर मान लो ये कॉइल है ना, इसके पास मैं मैग्नेट लेके आया, इसके पास लेके आ रहा हूं, जब मैं इसके पास लेके आऊंगा मैग्नेट, तो क्या होगा, क्या इसमें से, देखो नॉर्थ साइड में से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा? यस सर, ना, तो इसमें से जो पास हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैं मैग्नेट को पास लेके आता हूं, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा? यस और नो? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ, डू यू रिमेम्बर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? यस सर, ईए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? ईए इनटू ए। हां, होता क्या है वैसे ही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। हाँ, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इज पासिंग थ्रू एन एरिया। ऐसे ही सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया, वो था ई इंटू ए, ये हो जाएगा बी इंटू ए, बी इंटू ए डॉट प्रोडक्ट था तो बी डॉट ए हो जाएगा, राइट? तो ये क्या होता है, दिस इज It represents, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर आगे समझेंगे। It represents the number of magnetic field lines passing through a surface, yeah, passing through some area. And mathematically, phi is equal to d phi जो होता है, that is b dot d a। अगर total flux find करना है, that will be integration of d phi, which is integration of b dot d a। अगर b constant है, तो बाहर निकलेगा, integration of d a will be simply a। तो ये b a बन जाएगा। कॉन्स्टेंट नहीं है तो इस हिसाब से इंटीग्रेशन करेगी। कोई सवाल तुम लोग, इसका यूनिट क्या होता है फ्लक्स का, सुना है, वेबर? यस सर, ऐसा यूनिट इज वेबर। एक और होता है इसका, वैसे सीजीएस यूनिट यूज नहीं होता, याद रखना, रख लो, नहीं रखना, मैक्सवेल होता है,
and 1 Weber is 10 power 8 maxwell. B dot A is B D A cos theta. Theta is the angle between B and A. B and A. तो अगर कोई प्लेन परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा? जीरो. जीरो. परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो एंगल होगा जीरो. उस टाइम पे फ्लक्स विल बी मैक्सिमम. जीरो या फिर 180 दोनों में. एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 then flux is 0. That is minimum. ठीक है, ये तो है मैग्नेटिक फ्लक्स. अब जो फैराडे और हेनरी थे, इन दोनों ने वो एक्सपेरिमेंट किया जो आप लोगों ने 10th में भी किया था. उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ी रोशनी डालते हैं. उस एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई मेरे पास ये उन्होंने ऐसा एक कॉइल लिया, ठीक है, इसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया. ओके, तो जैसे ये नॉर्थ पोल इसके पास लेके आए तो देखा कि यहां से गैल्वेनोमीटर ने एक रीडिंग शो की, राइट. इसको दूर लेके गए तो उसने दूसरी साइड में रीडिंग शो, उन्होंने ऑब्जर्व किया. दीज वर देयर ऑब्जर्वेशंस. इसको बहुत तेजी से लेके आए तो गैल्वेनोमीटर ने बहुत ज्यादा रीडिंग शो की, स्लोली लेके आए तो कम रीडिंग शो की, ठीक है. तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला इससे, क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला? उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि भाई कि अगर मैग्नेटिक फील्ड पास आता है तो ऐसा क्या चेंज हो रहा है, इधर क्या चेंज हो रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड पास आ रहा है? फ्लक्स चेंज हो रही है, राइट. फ्लक्स जो है वो ऐसे जाती है इसमें. तो अगर पास आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगी, yes. अगर दूर जाएगा तो फ्लक्स कम होगी. तो दोनों ही केसेस में जो फ्लक्स है फाई है वो चेंज हो रही है. तो जो ईएमएफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स. एंड अगर मैं पास जल्दी से लेकर फटाफट लेके आता हूँ तो करंट ज्यादा आएगा, yes. ईएमएफ ज्यादा आएगी. तो ईएमएफ ज्यादा किस केस में आएगी, अगर टाइम मतलब वो फास्ट फास्ट आ गया, मतलब टाइम कम लगा या ज्यादा लगा? कम लगा. ईएमएफ ज्यादा अगर टाइम कम तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम. तो फैराडे और हेनरी ने ये मेरे को एक फॉर्मूला दे दिया कि भाई ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट. ईएमएफ जनरेट होगी और अगर सर्किट क्लोज्ड होगा तो करंट भी दौड़ेगा, तो इसमें करंट भी दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करता है. ठीक है जी, तो ये जो है उनका क्या था, ऑब्जर्वेशंस. तो इसके लिख लेते हैं फैराडे एंड सर, तेज लाने से ज्यादा करंट क्यों आता है? ये ऑब्जर्वेशन थी. ओके सर, लॉजिकल नहीं है ये. फ्लक्स जल्दी चेंज हो गई, ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, करंट ज्यादा आएगा. ओके तो क्या ऑब्जर्वेशंस थी, ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे. पहली है
when a bar magnet is brought closer connected to a galvanometer, then the galvanometer showed deflection. When a bar magnet is taken away from the coil, then the galvanometer showed deflection in opposite direction. Yes, opposite direction. Fair. If the bar magnet is brought is moved with more speed than the galvanometer showed larger deflection, ठीक है. और अगर हम इस बार मैग्नेट को कॉइल के पास स्टेशनरी रखें तो क्या होगा? नो डिफ्लेक्शन. यस, इट विल शो नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि उस टाइम पे फ्लक्स चेंज हो रही है नहीं हो रही? नहीं हो रही. नहीं हो रही तो फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रही, तो डीफाई क्या हो गया? जीरो. द बार मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी near the coil, then galvanometer showed no deflection. तो ये कुछ observations थी. तो इन observations के आधार पे Faraday ने law दे दिया. क्या बना दिया? एक law बना दिया. Faraday laws of law of induction. Faraday's law of induction. Sir. हाँ जी. सर ये जो नाम रखते हैं Faraday's law of induction, तो ये जो साइंटिस्ट ने आप ही रख लिया कि ये दिता क्या सी नाम? नहीं नहीं Faraday का आपका नाम सी. नहीं नहीं मतलब उन्हें इंडक्शन जो लॉ है उन्हें आप ही रख लिया था नाम Faraday's law. हाँ. बड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड सी. यार उन्हें सारा काम किया है. वैसे तो वो कल्ला नहीं सी, हेनरी के नाम से नाम उन्हें आ गया. पर आप ही दे देना सर नाम, मतलब कमाल है. उन कल नो दरबजोत किसी से कम करे सारा ना, तो दरबजोत अपना नाम नहीं रखेगा? नहीं सर, मतलब जो कोई होर दे दे
फिर तो ले लांगे, मतलब आप जिंदे थोड़ा शर्म शर्म आती है ना। ठीक है। तो इसमें क्या है कि सिंपली लॉ क्या कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डीफाई बाय डीटी डीटी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स। इट स्टेट्स दैट the induced EMF in a circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, that is is directly proportional to d phi by dt। अगर ये तो उसने बोल दिया कि भाई rate of change of magnetic flux है बस, लेकिन फैराडे ने ना ये नहीं बताया कि direction of EMF या direction of induced current क्या होगी, उसने ये नहीं बताया। एंटी क्लॉकवाइज होगा, घूमेगा करंट या क्लॉकवाइज घूमेगा, ये नहीं बताया। ठीक है, वो बताया आपके किसने, लेंज ने, जिसके बाद आता है लेंजेज लॉ। ये हमें ज्ञान दिया किसने, लेंज ने। याद होगा तुम लोगों को पिछले चैप्टर में भी लेंज का जिक्र हुआ था एक बार। याद है ये नहीं, भूल भल गए यार, कब हुआ था? डायमैग्नेटिज्म में। हाँ, उसमें वो था ना कि ऑपोजिट इंड्यूस हो जाता है, तो वो सब तो मैंने कहा था लेंजेस लॉ पढ़ेंगे। चलो अब समझेंगे लेंजेस लॉ क्या है। यही दोबारा बनाते हैं फोटो। लेंजेस लॉ ने जिक्र किया एक जिद्दी बच्चे का, किसका, एक अड़ियल जिद्दी शरारती बच्चा। ठीक है, वो ऐसा बच्चा कि अगर कोई काम हो रहा है तो उसको होने नहीं देता, उसका उल्टा काम करता है। ऐसे होते हैं, हाँ कि ना, तुम में से भी होगा कहीं, जो हो रहा है उसको होने नहीं देना। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जैसे इसमें बार मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहा हूं, अगर मैं बार मैग्नेट उसके पास लेके आ रहा हूं, तो इसमें जो एंटरिंग फ्लक्स, फ्लक्स किस तरह है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इस कॉइल में, लेफ्ट की तरफ। अगर मैं इसको पास लेके आ रहा हूं, तो क्या ये फ्लक्स इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, कुछ नहीं हो रहा? इंक्रीज हो रही है। तो क्या बोल सकते, लेफ्टवर्ड वाली फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। yes. तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो फ्लक्स है जो लेफ्ट की तरफ इंक्रीज हो रही है, वो इस तरह से एक नई फ्लक्स इंड्यूस कर देगा जो कि इस इंक्रीज्ड फ्लक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्योंकि लेफ्ट में बढ़ने की कोशिश करनी है, लेंज़ लॉ क्या कहता है, जो हो रहा है उसको होने नहीं, नहीं। उसको क्या करना है, अपोज। तो अगर अपोज करना है तो इंड्यूस्ड फ्लक्स किस डायरेक्शन में आएगी, राइट राइट। अगर राइट में आई तो करंट की डायरेक्शन बताओ जरा, एंटी क्लॉकवाइज, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द साइड ऑफ द मैग्नेट। यस करेक्ट, बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द मैग्नेट बताते हैं। तो किस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये बात हर एक को समझी, ये जो डायरेक्शन है ना, ध्यान से सुन लेना, दिमाग और कान खोल के। यस ठीक है। तो ये जो, क्योंकि डायरेक्शन पे सवाल आता है बोर्ड में भी एंड नीट में भी, मेंस में भी, सब में सवाल आता है भाई डायरेक्शन पे। ठीक है, तो डायरेक्शन किस तरफ आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये बात समझ आ गई सबको? यस सर। इसको एक और तरीके से समझेंगे, राइट। लेंस क्या करता है, लेंजेस लॉ क्या कहता है, जो हो रहा है उसको होने नहीं देना,
नहीं देना। तो अगर ये मैग्नेट इसके पास आ रहा है तो लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेगा उसको? रिपेल करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। इसके पास आ रहा है तो पास नहीं आने देगा, दूर जा रहा है तो दूर नहीं जाने देगा। तो फिलहाल मैं इसको पास लेके आता हूँ। इसको अगर मैं पास लेके आऊंगा तो इसको पास आने से रोकने के लिए नॉर्थ पोल पास आ रहा है ना, तो इस तरफ क्या कौन सा पोल इंड्यूस करना पड़ेगा उसको? नॉर्थ एंटीक्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है, एंटीक्लॉकवाइज होता है रे, बिल्कुल सही बात। तो इससे भी एंटीक्लॉकवाइज आ गया। तो मेरे पास दो तरीके है जिससे मैंने एंटी क्लॉकवाइज करंट को नाप लिया। क्या दोनों मेथड क्लियर है तुम दोनों को? दोनों आने चाहिए, किसी में कोई यूज होगा किसी में कोई यूज होगा। क्लियर है? यस सर। बाकी जनता जो सो रही है, हाँ दर्जो कुछ कहने लग गया सी? अग्रवाल? यस सर। यस सर क्लियर है ठीक। हाँ भी अग्रवाल बता, अगर इस मैग्नेट को ये भूल जा, अब मैं क्या करता हूं, साउथ नॉर्थ ऐसे लेके जाना। अब बता चल डायरेक्शन ऑफ वो करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ एंटी क्लॉकवाइज, क्या ये सही कह रहा है? यस सर। बाकियों को रिया को नहीं लग रहा सही? मिलन को? एनालिसिस मोड में होगी, करो करो एनालिसिस। चल अग्रवाल बता कैसे बोला एंटी क्लॉकवाइज? सर जैसे ये दूर जाएगा तो इसे वापस लाने के लिए नॉर्थ पोल उधर इंड्यूस होना चाहिए ना, बिल्कुल तो सही, एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो नॉर्थ पोल है, क्यों है? क्योंकि ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो दूर जाने नहीं देना। तो दूर नहीं जाने देना, तो इधर क्या बनाना पड़ेगा? अट्रैक्टिव पोल बनाना पड़ेगा। तो साउथ के लिए नॉर्थ पोल अट्रैक्टिव पोल है, उसके लिए कोई। इसको फ्लक्स से भी देखें, फ्लक्स से अगर समझते हैं तो ठीक है रिया। इसमें अगर फ्लक्स से समझें तो साउथ पोल देखो, तो फ्लक्स राइट की तरफ होगी लेफ्ट की तरफ होगी? राइट की तरफ। बिल्कुल सही बात है, ऐसे होगी ना, इस तरफ ऐसे होगी। Yes. अब दूर जा रहा है मैग्नेट, तो फ्लक्स इसमें डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है, फ्लक्स क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। किस डायरेक्शन वाली फ्लक्स डिक्रीज हो रही है, राइट वाली है लेफ्ट? लेफ्ट तो है नहीं, कौन सी डायरेक्शन में हो रही है? राइट वाली। लेंजेस लॉ क्या कहता है? जो हो रहा है उसको होने नहीं देना। तो डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज नहीं होने दे रहा, इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज नहीं इंक्रीज। यहाँ पे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज नहीं होने देना। तो अगर डिक्रीज नहीं होने देना मतलब लेफ्ट मतलब राइट की तरफ और फ्लक्स इंड्यूस कर देगा वो? yes. तो इंड्यूस और कर देगा, इंड्यूस अगर राइट की तरफ और करेगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट देखने की तरह एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये बात हर एक को चमकी? यस सर। ठीक चलो अब इसको सबको लिखते हैं। चलो क्या कहा इन भाई साहब ने, इन्होंने बोला इट स्टेट्स दैट the polarity of the
induce the EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic, which opposes the change in magnetic flux. That produced it. मान लो इधर नॉर्थ ले लेते हैं, साउथ ले लेते हैं और इसको मूव कराते हैं लेफ्ट की तरफ, पास लेके आते हैं, तो जो फ्लक्स बनेगी वैसे बनेगी, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, तो इंड्यूस्ड फ्लक्स जो है वो राइट की तरफ आएगी लेफ्ट की तरफ आएगी? राइट की तरफ आएगी। फोटो बन गई? यस सर। ठीक, इसमें एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। The leftward flux to the coil is increasing, therefore according to Lenz's law, opposite flux
ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ करंट इज इंड्यूस्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन so as to produce an opposite flux. To counter the increasing flux. दूसरा जो हमने मेथड सीखा है समझने का वो भी लिख लेते हैं. इसके लिए फोटो दोबारा बना लो. यहाँ पे इंड्यूस होगा नॉर्थ पोल, करंट होगा ऐसे. सिंस नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट is approaching the coil then according to Lenz's law to oppose this approaching magnet north pole is induced on the face facing the magnet. That is current is induced in the anti-clockwise direction. लिख लिया? यस सर. ठीक है, ठीक ना. क्वेश्चन आता होता है कि लेंज़ लॉ इज आल्सो नोन एज law of conservation of energy. Can you explain me that energy kaise conserved hai yahan?
Anyone wants to try? सर ऐसे कि जो उसे पास लाने में एनर्जी लग रही है वो इलेक्ट्रिसिटी में जा रही है सर। ऑलमोस्ट सही बोल गए। मैग्नेट के पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी थी, राइट? मैग्नेट जो है वो काइनेटिक एनर्जी, लेकिन उसके पास आते आते वो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, बढ़ रही है, सेम रह रही है? कम हो रही है। कम हो रही है, वो कहाँ गई? इंडक्शन मतलब इंड्यूस करने में चली। हाँ, इंड्यूस करके एनर्जी, एनर्जी इंडक्शन इज नॉट एनर्जी। एनर्जी कौन सी में चली गई? वो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चली गई। करंट, करंट बन गया। Yes. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कम हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ गई। तो एनर्जी और कंजर्वेशन, सॉरी कंजर्वेशन एनर्जी यही बोलता है कि एक एनर्जी अगर कम होती है तो दूसरी एनर्जी बढ़ती है। ये कहता है in the magnet, a bar magnet, is brought near the coil, its kinetic energy decreases. As it slows down, and this energy is converted into the electrical energy produced in the coil. ठीक है, ये सवाल जो है बहुत बार आ चुका है। स्टेटमेंट मतलब एक्सप्लेन करो। है बहुत ही सिंपल। चलो अब हमने फैराडे लॉ अलग कर लिया, लेंज लॉ अलग कर लिया, तो अल्टीमेटली इन दोनों को मिला के एक लॉ बना जिसको हम नाम दे देते हैं फैराडे एंड लेंज लॉ। उसमें इन दोनों का मिश्रण होगा। फैराडे ने बोला E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डीटी, एंड लेंज ने बोला कि वो अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से, तो इट इज माइनस डी फाई बाय डीटी। और अगर n टर्न्स है किसी कॉइल में वो आगे n हो जाएगा, ठीक है। इफ द कॉइल हैज n टर्न्स देन E विल बी माइनस n डी फाई बाय डीटी।
ये ईएमएफ का फॉर्मूला आपको याद रखना है. ये ऑब्वियसली कौन सी ईएमएफ है? इंस्टेंटेनियस एवरेज. इंस्टेंटेनियस. दिस इज इंस्टेंटेनियस. अगर हमें एवरेज निकालनी है वो क्या होगी? माइनस एन डी फाइव बाई डीटी की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी. डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी ये हो जाएगी एवरेज. टोटल चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. अब सर्किट ओपन है क्लोज है ईएमएफ तो रेट में आएगी. लेकिन अगर सर्किट क्लोज है तो साथ में क्या पैदा हो जाता है? करंट. यस राइट. तो उस केस में हम करंट इंड्यूस्ड करंट का डेरिवेशन इंड्यूस्ड करंट इन द क्लोज्ड सर्किट. ईएमएफ से करंट कैसे आएगा? डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. दैट इज नथिंग बट माइनस एन बाय आर डिवाइड बाय डीटी. ये करंट आ जाएगा. इसका फॉर्मूला ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ईएमएफ को आर से डिवाइड कर देंगे करंट आ जाएगा. सवाल सिर्फ इतना नहीं, सवाल और भी आता है कि भाई फाइंड कर दो कि जब फ्लक्स चेंज हुआ तब चार्ज कितना ट्रांसफर हो गया. फ्लक्स चेंज हुआ उसकी वजह से करंट दौड़ा, करंट दौड़ने की वजह से चार्ज जो है वो फ्लो करेगा. तो पूछा ये जाता है कि भाई फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन द सर्किट. चार्ज फ्लो कैसे निकालेंगे करंट से? टाइम से डिवाइड. आई इक्वल टू मल्टीप्लाई कर टाइम. आई थिंक देखो डी क्यू मेरे को आई दिख रहा है इधर ऊपर डी टी दिख रहा है. डी टू उधर ले जाओ. आई डी टी. आई डी टी हो जाएगा N d phi by R. ये मैग्नीट्यूड है डी क्यू. माइनस तो मैं डायरेक्शन बता रहे ना. डी क्यू इज आई डी टी एन डी फाइव बाई आर. टोटल करंट फाइंड करना है क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एन बाई आर डी फाइव. एन बाई आर क्या है? कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाल लेते हैं तो बचा अंदर क्या? D5. D5 की इंटीग्रेशन क्या होगी? इधर लिमिट्स आ जाएंगी फ्लक्स की. फ्लक्स इनिशियल टू फ्लक्स फाइनल. D5 की इंटीग्रेशन फाइव. उसमें लिमिट डालेंगे फाइव टू माइनस फाइव. अंदर विल बी नथिंग बट डेल्टा फाइव. यस और नो? यस. ठीक है, ये आ जाता है चार्ज फ्लो. तो टाइम ज्यादा लगेगा तो चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा. टाइम पे डिपेंडेंट कहाँ पे? टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा. टाइम कब लगे ज्यादा करे? इट इज डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन फ्लक्स. तो टाइम पे डिपेंड करता ही नहीं. Q flow in the circuit is independent of
the time taken. The flux change will depend. ठीक है जी, चलो अब कुछ इसके सवाल देखते हैं. ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है. हमें फाइंड करना है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द थ्री इन द लूप्स, सारे लूप्स में फाइंड करना है. आपको मुझे तीन आंसर भेजने हैं, वन टू एंड थ्री के कॉरेस्पॉन्डिंग. अग्रवाल ना भाई, एक मिनट, आंसर गलती से सेंड हो गया. मिलन ना, सारे आंसर ठीक होंगे तो यस बोलूंगा. थ्री उसी प्लेन में भाई, कुछ भी लगाओ लगाओ धुआं लगाओ दौड़ाओ. एक मिनट में लोग करो इसको.
वर्मा ना आर्यन करेक्ट ओ ना वर्मा चलो देखो ध्यान बताऊं बता दो बताई देता हूँ ना चलो सुनो इसमें क्या है ये लूप जब इसमें एंटर कर रहा है ये लूप जब इसमें एंटर एंटर कर रहा है दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड में यस यस है ना ये तो सबको दिख रहा होगा कि ये लूप इसमें एंटर कर रहा है जब ये एंटर करेगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा जब ये एंटर करेगा लूप इंक्रीज बढ़ेगा अरे आगे ना नहीं पता अगर नहीं समझ में नहीं आया मैंने बोला कि जब ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा नहीं पता लगा नहीं सुनो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितने रीजन में है ठीक है ऐसे लूप है यहाँ लूप इसमें एंटर कर रहा है तो इस लूप में पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड बी तो सेम है लेकिन पहले एरिया ये था जब थोड़ा अंदर चला जाएगा तो लूप ऐसा हो जाएगा एरिया बढ़ गया अंदर फ्लक्स पहले था बी इंटू ए वन और फ्लक्स है बी इंटू ए टू ज्यादा एरिया ये वाला तो फ्लक्स बढ़ गई yes. अरे यस और नो यस समझ सबको समझ में आया yes. किस तरफ वाली फ्लक्स बढ़ी है मतलब किस तरफ है फ्लक्स इनवर्ड आउटवर्ड है वो फ्लक्स इनवर्ड है इनवर्ड है फ्लक्स है अब लेंजेस लॉ क्या बोलता है कि जो हो रहा है उसको नहीं देना उससे ऑपोजिट करना है तो अगर इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रही है तो वो क्या करेगा कैसी फ्लक्स इंड्यूस करेगा आउटवर्ड वाली राइट तो आउटवर्ड वाली फ्लक्स इंड्यूस कर देगा तो अगर आउटवर्ड फ्लक्स इंड्यूस होगी तो डायरेक्शन ऑफ ये अपना डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल सही बात है ताही जो अपना ये मैग्नेटिक फ्लक्स है इंड्यूस वाली वो बाहर की तरफ क्या ये बात हर एक को चमकी यस यस अब दूसरा लूप देखते हैं ये वाला किधर जा रहा है राइट में बस राइट मतलब एग्जिट कर रहा है नहीं एग्जिट कर रहा है इसमें फ्लक्स कम हो रही है किस तरफ वाली फ्लक्स कम हो रही है इनसाइड वाली तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा इनसाइड वाली फ्लक्स बढ़ने से इनसाइड को फ्लक्स और इंड्यूस जाए क्योंकि जो हो रहा है वो होने नहीं देना तो इनवर्ड फ्लक्स कम हो रही है तो कम नहीं होने देनी तो क्या करेगा और इनवर्ड फ्लक्स इंड्यूस करेगा तो इनवर्ड फ्लक्स अगर इंड्यूस करनी है तो करंट कैसा होगा क्लॉकवाइज क्लियर है yes. अब जो ये लूप है ये इधर जा रहा है जब ये ऊपर ऐसे जा रहा है टिड्डा सा तो इसमें फ्लक्स बढ़ रही है कम हो रही कुछ भी नहीं हो रही ना तो एरिया चेंज हुआ ना मैग्नेटिक तो फ्लक्स रिमेंस सेम तो डेल्टा फाई जीरो तो ईएमएफ जीरो बिल्कुल सही बात है ठीक है जी तो लिख लेते हैं इसको लूप वन इट इज एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड देयरफॉर इनवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग
therefore outward flux is induced, therefore anti-clockwise current is induced. कोई दिक्कत परेशानी इसमें है? लूप टू इट इज लीविंग देयरफॉर इनवर्ड फ्लक्स इज डिक्रीजिंग देयरफॉर कौन सी फ्लक्स इंड्यूस होगी इनवर्ड फ्लक्स ही इंड्यूस होगी क्योंकि कम हो रही है ना तो कम नहीं होने देनी inward flux induced okay therefore clockwise current is induced clear hai yes sir. loop 3 since flux is not changing therefore EMF is zero therefore induced current will be zero koi dukh takleef no sir theek अगला सवाल सवाल वही है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन बोथ द लूप्स करेक्ट आर्यन मिलन करेक्ट रिया किसका दो आंसर भेजना है तुम्हें कुशल अग्रवाल ठीक है श्रेया अंशल ठीक है जागृति ठीक है ठीक है खुशबीर सुरभि ठीक है निष्ठा रिया मुस्कान ठीक है खुशबीर हाँ ठीक है
ठीक है चलो, तो इसमें क्या होगा, व्हाई इट इज जीरो इन फर्स्ट लूप, बिकॉज़ डेल्टा फाई, व्हाई डेल्टा फाई इज जीरो, थीटा बिटवीन बी एंड इनफाइनाइट वायर, तो बी सेम रहेगा सर, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा, करेक्ट, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए बी सेम रहेगा, बी सेम रहेगा, एरिया तो वैसे ही सेम है, इसलिए क्या हो गया, ईएमएफ जीरो हो गया, ईएमएफ इन वन इज जीरो बिकॉज़ फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग, मतलब फाई इज कांस्टेंट. And E2 non-zero होगा? Yes. और induced current क्या होगा? Why anti-clockwise? Clockwise. ना भाई, why clockwise sorry? क्योंकि distance increase हो रहा है तो magnetic field जो है वो inward वाली decrease होगी, जैसे side में जाएगा. डिस्टेंस बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, फ्लक्स इनवर्ड, इनवर्ड है इधर तो पहली बात, तो इनवर्ड फ्लक्स कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो इनवर्ड और इंड्यूस होगा, तो इसलिए क्लॉक हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इनवर्ड flux is decreasing. Therefore, inward flux is induced. ठीक है जी, चमक गया. Yes. क्रिस्टल क्लियर है सबको? Yes. ठीक है, चलो आज हम यही समाप्त करते हैं, दैट्स इट, गुड बाय, थैंक यू सर, ओके बाय, थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू सर, ओके.